हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल आर हेल्थ एंड वेलनेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर एनवायरनमेंट, अ ब्रीफ आइडिया फॉर क्लास 10। अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, ये आता है कि हम ह्यूमंस की वजह से क्या उसको डैमेज हो रहा है। सबसे पहले तो हम उसमें वेस्ट ऐड कर रहे हैं। किस तरह का वेस्ट ऐड कर रहे हैं? दो तरह का वेस्ट ऐड कर रहे हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका वुड, पेपर, एग्रीकल्चर वेस्ट या फिर सीवेज। दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और वो इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट होता रहता है, जैसे इंसेक्टिसाइड्स, ग्लास, DDT। तो दूसरा होता है कि हम इन्वायरमेंट को क्या डैमेज पहुँचा रहे हैं। पहला तो हो गया कि वेस्ट मटेरियल ऐड हो रहा है, दूसरा हो रहा है डैमेज पहुंचा रहे हैं। क्या हो रहा है? ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? फर्टिलाइजर्स की वजह से, न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से, या फिर क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स की वजह से, जिनको हम फायर एक्सटिंग्विशर्स या फिर रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ करते हैं, कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के? एक तो अर्थ में टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति हो रही है, क्रॉप्स का डैमेज हो रहा है, हमारी वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो रही है, लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, और कई बीमारियों का रीज़न भी बन रहा है ये, जैसे स्किन कैंसर्स हो सकते हैं ह्यूमंस में। और ये तो एक डिटेक्ट हुई चीज़ है। बहुत सारी जो जो हमें अनआइडेंटिफाइड डैमेजेस हो सकती हैं, वो हमें जिनका हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। अब जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? उसको मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो एक आइडिया हो जाता है कि उसको रिसाइकिल कर दें, या फिर कंपोस्ट बना दें, या फिर सीवेज का ट्रीटमेंट करें, डिस्पोजेबल्स का यूज़ करें जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, इंसिनरेट कर दें, बायोगैस बनाएं, या फिर मैन्योर बनाएं एग्रीकल्चरल वेस्ट से, या फिर लैंडफिल्स में हम वेस्ट को डिकम्पोज कर दें। इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम, एक तो टाइप्स की बात करें तो एक हो जाता है नेचुरल इकोसिस्टम, जो कि हमारे अराउंड एग्जिस्ट करता है। दूसरा हो जाता है एक्वाटिक इकोसिस्टम, जिसका एग्जांपल हो जाता है पॉन्ड। एक हो जाता है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है फॉरेस्ट। दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके गार्डन एंड क्रॉप फील्ड्स। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक का मतलब होता है कि वो नॉन लिविंग होते हैं। इसमें दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, एडैफिक फैक्टर्स जैसे, जिसका एग्जांपल हो जाता है सॉइल, या फिर फिजिकल फैक्टर्स जैसे सनलाइट या फिर टेम्परेचर। तो बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें हो जाते हैं पहले ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स, जो अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल बाई यूजिंग सनलाइट एंड वाटर। दूसरे हो जाते हैं आपके कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स अपना खाना नहीं बनाते, वो प्रोड्यूसर्स पर ही रिलाई करते हैं। थर्ड आ जाते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, या फिर हर्बीवोर्स, जो कि प्लांट या उसके प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं, जैसे आपके गाय हो जाती है, भैंस हो जाती है, या फिर डियर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या फिर कार्निवोर्स, जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लॉयन है जो कि डियर को खाता है, टाइगर है वो भी शिकार करता है, या वुल्फ है, ये सब शिकार करते हैं। थर्ड आ जाते हैं आपके टर्शरी कंज्यूमर्स, या फिर ओमनीवोर्स, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं हम ह्यूमंस। और नेक्स्ट होते हैं डिकम्पोजर्स, जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स के डिकम्पोजिशन से कंजम्पशन करते हैं। तो एक होता है इसमें 10% लॉ, जो कि लैंडमैन ने दिया था 1942 में। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी होती है उसका 10% ही नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल तक जा पाती है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।